11th वाली पढ़ाइयाँ बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ टॉपिक ही पढ़ाए गए, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाए गए, एंड मेनी हैव बी पोर्शन इनकम्प्लीट. फ्रेंकली स्पीकिंग दे शुड हैव कवर्ड 11th में आपका जो लास्ट में टॉपिक थे. आई हैव स्टार्ट विद बीआरएस, बीआरएस मैंने चालू कर लिया था, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, कुछ पॉइंट्स भी हमने लिख लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक वी हैव टू स्टॉप इन दैट मिडल बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जाम्स लेके खत्म कर दिया है. कुछ लोगों का एग्जाम्स अभी भी पेंडिंग होगा, एंड देर वर सम टॉपिक्स विच आर पेंडिंग, लाइक सिंगल एंट्री पेंडिंग था, फाइनल अकाउंट विच वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो पेंडिंग रह गया था, एंड डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो सिंगल एंट्री एंड डेप्रिसिएशन कैन बी इग्नोर्ड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट येस फाइनल अकाउंट शुड नॉट हैव बीन इग्नोर्ड बाय द कॉलेजेस. उन्होंने फाइनल अकाउंट को भी इग्नोर किया, तो माइट बी मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलेज वाले जो है फाइनल अकाउंट वाला टॉपिक जो था वो शायद इस 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में कवर कर लेंगे. अब जैसे मैंने बात किया कि आपका 11th स्टैंडर्ड में जो लास्ट टॉपिक है वो फाइनल अकाउंट था, तो एज यू कैन सी दैट 11th का एंड और 12th का स्टार्ट ऑलमोस्ट दोनों एक ही है, यानी यस यहाँ पे भी आपको फाइनल अकाउंट देखना पड़ेगा, बट दिस इज पार्टनरशिप फॉर्म. तो आइडियली स्पीकिंग 12th स्टैंडर्ड का जो अकाउंटिंग है वो पार्टनरशिप फॉर्म है, 11th स्टैंडर्ड का जो अकाउंटिंग था वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न था, मतलब सिंगल ओनर. आपने देखा होगा ना इन द बुक्स ऑफ एक पर्सन का नाम होता था, कोई रमेश, अक्षय, हमने कई नाम देखे थे, किसी जनरल स्टोर का, किसी डॉक्टर का, किसी डिस्पेंसरी का, राइट. बट यहाँ पे बेसिकली आप पढ़ोगे पार्टनरशिप फॉर्म का, यानी दो जन अगर मिलके बिजनेस हैंडल करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो वो अपनी अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करते हैं ये आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा. तो 12th स्टैंडर्ड में मैं बोल सकता हूँ बेसिकली ये जो आपकी सिलेबस है दैट इंक्लूड्स आपका पार्टनरशिप अकाउंट एंड आपका कंपनी अकाउंट्स. यस कंपनी अकाउंट्स अगर आप देखोगे लास्ट में यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 जो है कंपनी अकाउंट्स है, चैप्टर नंबर 9 भी कंपनी से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये आपको पढ़ने मिलेगा यहाँ पे. ओके जस्ट आप एक बार ये जो फर्स्ट टॉपिक है उस पर ध्यान दोगे तो फाइनल अकाउंट है. यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सिखाया जाएगा, नॉट जस्ट फाइनल अकाउंट, इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. ठीक, ओके तो यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि हम इस चैप्टर में बेसिकली अगर देखा जाए तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी अकाउंटिंग विच इज कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द ईयर. अब जर्नल आपने सीखा था, लेजर आपने सीखा था, सब्सिडरी बुक सीखे थे, कैश बुक सीखा था, वो सब मिड ऑफ द ईयर मतलब हर महीने बनाए जाते हैं. जर्नल हर दिन का बनता है, लेजर हर महीने का बनता है ना, क्योंकि जर्नल का ब्रॉट डाउन बैलेंस देखो ना आप, महीने 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 का महीने उसको टोटल करते हो और फिर बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो. सिमिलरली कैश बुक में भी ऐसे ही होता है. बट वॉट इफ द ईयर एंड्स, यानी एक साल तो 12 महीने का होता है. चलो पहले महीने का मैंने उठाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है अप्रैल से, अप्रैल का बैलेंस मई में चला गया, मई का बैलेंस जून में गया, जून का बैलेंस जुलाई में गया, एंड सो ऑन. जनवरी का बैलेंस फरवरी में, फरवरी का बैलेंस मार्च में, बट मार्च का बैलेंस यस अप्रैल में आएगा, लेकिन जब तक हमारा अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाता है तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें बिजनेस में लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस. तो जब हम बात करते हैं इस प्रॉफिट और लॉस के बारे में कि ईयर एंड में, साल के अंत में हमारे बिजनेस का रिजल्ट क्या है, इस साल हमने क्या किया. जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे साल भर पढ़ते हो, साल भर नहीं बेसिकली 10 महीना, यस ट्रू 10 महीने पढ़ते हो. इस 10 महीने में आपने क्या पढ़ा, आपका प्रोग्रेस क्या था, वो आपका फाइनल जो रिजल्ट होता है वो बताता है ना. एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो रिजल्ट है वो शो करता है इसमें.
लोग पूछते भाई कितना परसेंट मिला, है ना। ये आपका इनकम होता है, एक तरह से आपका रिवॉर्ड होता है, आपने जो मेहनत की उसके बदले में जो मिला हुआ रिवॉर्ड। उसी तरह अगर कोई बिजनेस कोई कमाता है, अगर सपोज कोई सैलरी मतलब जॉब पे जाता है उसको सैलरी मिलती है, तो लोग पूछते भाई साल भर में कितना कमा लेते हो। तो अगर किसी का बिजनेस है, अगर किसी का बिजनेस है, तो डेफिनेटली लोगों से क्या पूछेंगे, भाई साल भर का कितना प्रॉफिट आता है आपको। व्हेन टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट और लॉस, इट इज कैलकुलेट ऑन द ईयरली बेसिस, सालाना काउंट किया जाता है ईयरली। तो कैलकुलेशन कैसे होता है, दैट इज फाइनल अकाउंट, कि साल भर में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये फाइनल अकाउंट के जरिए ही तय किया जाता है। ठीक है, नो नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है चैप्टर नंबर टू, वो है नॉन प्रॉफिट कंसर्न। अब इसकी अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी। अब पहला जो है चैप्टर वो तो फाइनल अकाउंट था, उसमें मैंने आपको बताया कैलकुलेट क्या करते हैं हम, प्रॉफिट हुआ या लॉस, यानी प्रॉफिट कंसर्न है वो, बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। अब मैं बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हम ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो प्रॉफिट कमाना उनका मकसद नहीं है। एसपी वालों ने पढ़ा होगा नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, बोल सकते हो एक तरफ से लोगों की सेवा करने के लिए बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन, लोगों की भलाई करने के लिए बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आप उसे एनजीओ भी कह सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली कैसे चलते हैं, अब जैसे कोई सपोज मान लो कोई जैसे रोटरी क्लब है, ये समाज सेवक संस्था है, लोगों की भलाई करने के लिए होते हैं। कोई क्रिकेट क्लब हो गया जहाँ पे लोग स्पोर्ट्स सीखने जाते हैं, स्विमिंग क्लब हो गया, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, इनकी अकाउंटिंग ऐसे मेंटेन की जाती है, बिकॉज ये प्रॉफिट कमाना इनका मकसद नहीं है, प्रॉफिट कमाना इनका लक्ष्य नहीं है, इनका मकसद है लोगों की सेवा करना। बट इसका मतलब नहीं कि ये प्रॉफिट के खिलाफ है, प्रॉफिट इनको भी होता है। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इनका अकाउंट अलग मेंटेन किया जाता है, इनका फाइनल अकाउंट नहीं बनता है। फाइनल अकाउंट के बदले में अकाउंटिंग, देखो अगर बिजनेस में पैसा है, कैश है, तो आपको हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा, राइट ना। यहाँ पे हिसाब किताब रखने का तरीका अलग अलग है, नॉन प्रॉफिट अलग तरीके से हिसाब किताब रखता है, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जहाँ पे फाइनल अकाउंट बनता है, उनका हिसाब किताब रखने का तरीका अलग होता है, तरीके अलग अलग है, कंसेप्ट तो वही है, पैसा वही है, रोकड़ा वही है ना, कैश वही है अपना, बट जो तरीके होते हैं मेंटेन करने के तरीके वो अलग अलग होते हैं। तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स में आप सीखोगे कि आप अपने बिजनेस को, बिजनेस के अकाउंटिंग किस तरह मेंटेन करोगे। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई एनजीओज है, कोई स्कूल्स है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल्स है, वो सब के अकाउंटिंग। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 3, 4, 5, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट तो ऐसे भी सभी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं आपको, तो ये जो आपका फाइनल अकाउंट है, अगर ये कोरोना अगर सिस्टम ना हो अगले साल तक, शायद ना भी हो, तो आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली इस 100 मार्क के पेपर में इस फाइनल अकाउंट का वेटेज है 16 मार्क, कितना, 16, 16 फाइनल अकाउंट का, चैप्टर नंबर 1 का। और हाँ, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, कंपलसरी क्वेश्चन, मतलब करना पड़ेगा भैया। दूसरा है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका वेटेज है 12 मार्क, 12, बट इंपॉर्टेंट है, अगेन इट हैज नो ऑप्शंस, कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, करना ही पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, ये तीनों 10, 10, 10 मार्क के क्वेश्चंस हैं, यानी 10 मार्क्स का एडमिशन, 10 मार्क्स का रिटायरमेंट, 10 मार्क्स का डेथ। अब रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ क्या है, तो अगर ब्रैकेट में देखो वहां से कुछ लिखा हुआ है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। इन चैप्टर को अगर मैं कंबाइनली एक नाम दू ना, तो बाहर वाला पढ़ो जी क्या लिखा है वहां पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको जब चैप्टर चालू होगा तब बताऊंगा। तो बेसिकली इन चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि एक
पार्टनर। अब पार्टनर किसे कहते हैं? एक ऐसा बिजनेस जहां पे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति लोग मिलकर बिजनेस मान रहे हो। मान लो मैं यहाँ पे दो ही पार्टनर का एग्जांपल लेता हूँ, ए और बी। पार्टनर नेम एस, ए एंड बी, ये दो पार्टनर्स हैं जो बिजनेस चला रहे हैं काफी अच्छे से, काफी आई कैन से दैट लाइक एंथुजियाज्म से, काफी बोलते ना, काफी एनर्जेटिक तरीके से बिजनेस चला रहे हैं। उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, कोरोना वोना का चक्कर नहीं हो इसमें, ठीक है? ओके। एंड इनका एक फ्रेंड है, इन दोनों का, ए और बी का, दोनों का फ्रेंड है सी। सी कहता है, यार क्या मैं भी तुम लोगों के साथ इस बिजनेस में आ सकता हूँ क्या? मुझे भी तुम लोगों के साथ में मिलके बिजनेस करना है, क्या मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ? अब ए और बी दो मिलके डिसाइड करते हैं इसको लेना है या नहीं लेना है। ए कहता है बी को, भाई क्या करें, इसका फैसला बताओ। बी कहता है, भाई डिसाइड कर लेते हैं, चलो रख लेते हैं इसे, यानी यस। नाउ सी इज न्यू पार्टनर ऑफ द बिजनेस। तो सी को हो गया एक नया व्यक्ति जो बिजनेस में दाखिल हुआ, एक नया व्यक्ति जो बिजनेस में एडमिट हुआ, हॉस्पिटल में नहीं, बिजनेस में। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, जब एक नया पार्टनर एक मौजूदा बिजनेस में इंट्रोड्यूस होता है, एंट्री लेता है, तो उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब उसके आने की वजह से पूरा पार्टनरशिप चेंज होता है, क्योंकि पुराना पार्टनरशिप ए और बी के बीच में था, अब जो नया पार्टनरशिप है वो ए बी और सी के बीच में है, तो पार्टनरशिप तो चेंज हो गया ना, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो उसमें क्या क्या अकाउंटिंग आएंगे, कैसे हम हिसाब किताब रखेंगे, नया पार्टनर क्या आने को, जैसे क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, वो सब आपको नोट करना होता है, और फिर आपको निकालना पड़ता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है नए पार्टनर के आने की वजह से। चैप्टर नंबर फोर इसी चीज का ऑपोजिट है, जैसे हम दिन के ऑपोजिट को रात कहते हैं, हंसी के ऑपोजिट को रोना कहते हैं, उसी तरह एडमिशन के, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का ऑपोजिट को हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं, रिटायर हो जाना। एज के अनुसार नहीं, उम्र के अनुसार नहीं, नॉट एज पर द एज, बट एज पर कंडीशंस सेट बाय द पार्टनर्स। अभी कंडीशंस क्या है, तो सिंपल सा चीज है, अगर कोई पर्सन काफी बीमार रहता है, मान लो अगर तीन पार्टनर्स हैं डी ई एफ, ठीक है, जैसे एग्जांपल डी ई एफ पार्टनर्स है, इसमें से जो डी है वो काफी बीमार रहता है, बिजनेस में इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो क्या आपको लगता है कि उसको रखना बिजनेस में फायदेमंद है? व्हाट डू यू थिंक, रखना चाहिए बिजनेस में उसे, कौन? फटाफट अपने आंसर्स, तो रखना चाहिए, हाँ या ना? नो। ओके, श्रुति हैज सेड नो। एनीवन एल्स? ओके, देयर इज वन मोर आंसर फ्रॉम रविकांत, नो। दिव्या सेज नो, अंजलि सेज नो, अमीषा सेज नो, आदित्य सेज नो। आदित्य, ओके, एंड एंड एनी मोर? टेबल सेज नो। ओके, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आवाज क्लियर नहीं था दीपक। आदर्श ऑल्सो सेज नो, आई गेस दीपक भी नहीं कह रहा है, नो कह रहा है वो भी, ठीक है? यस यू, हाँ ओके फाइन। आवाज काफी कट रही थी, आई बिलीव आप लोग को मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी। ओके फाइन, सो एज पर ऑल आंसर्स आर राइट,
ऑब्वियस है, जब वो बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहा है तो बिजनेस में रख के भी उसको फायदा नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको बिजनेस से निकाल देंगे। तो बिजनेस से किसी पार्टनर का निकलना इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब निकला तो फिर वहां पे भी अकाउंटिंग चेंज होगा, पूरा हिसाब किताब फिर से चेंज होगा। यस, दैट इज कॉल्ड एस, दैट इज कॉल्ड एस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो जस्ट दोनों ऑपोजिट चैप्टर्स है, लेकिन एक बता दूं, मजेदार बात यह है कि दोनों के अकाउंटिंग करने के तरीके एक ही है, पार्टनरशिप है। तो जो अकाउंट्स बनेंगे ना दोनों के सेम बनेंगे। इसमें नियर अबाउट टोटल 3 अकाउंट बनते हैं, एडमिशन में 3 अकाउंट, रिटायरमेंट में बनते हैं 3 अकाउंट, डेथ में बनते हैं। और देख के मैं बोलता हूँ इतना भी कि आपका जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी सेम होता है। अगर आप एक बार देखोगे ना ऐसा, जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक तो आपको लगेगा ही नहीं कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये। सिर्फ एक वर्ड से पता चलता है ये एडमिशन है, वहां पे लिखा गया सी एडमिट्स इनटू बिजनेस, या सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, या सी डाइड। जब तक ये वर्ड हमको नहीं पता चले कि एडमिट है, रिटायर्ड है या डेथ है, तब तो हम नहीं बता सकेंगे कि चैप्टर कौन से, मतलब ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो दैट मीन्स ऑब्वियस है, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेटिक है तो आंसर का भी तरीका एक ही होगा। यानी ये चैप्टर में आपको ध्यान देना है सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर, कौन सी चीजें कहाँ पे आई गई, ठीक है। एंड यू कैन इजीली मेक आउट, बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत इजी चैप्टर्स है, ट्रस्ट मी। अगर आपको एडमिशन आ गया ना बच्चों, आप वेरी इजीली रिटायरमेंट कर लोगे। और रिटायरमेंट आ गया ना तो डेथ तो मैं ना सिखाऊं तो भी आ जाएगा आपको। यस, डेथ और रिटायरमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिवाय एक लाइन के। एक लाइन भी नहीं बोलता हूं मैं, बोल सकता हूं 2 वर्ड्स के। रिटायरमेंट की तरह ही सॉल्व होता है वो, लेकिन सिर्फ एक दो नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, दैट्स इट, वो डेथ कहलाता है। अभी रिटायरमेंट का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था किसी पार्टनर का बिजनेस से निकल जाना, आखिर डेथ में भी तो वही होता है, मर जाता है वो बंदा, निकल जाता है बिजनेस से अपने आप। तो दोनों के रिजल्ट तो एक ही है ना, नतीजा तो एक ही हुआ कि वो अब पार्टनर नहीं रहा, चाहे वो रिटायरमेंट हो या चाहे डेथ हो, वो हमारा पार्टनर नहीं रहा, राइट ना। तो सिमिलरली रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों एक ही तरीके हैं, ठीक है, रिटायरमेंट एंड डेथ, राइट, ठीक है। नाउ आता है उसके बाद में चैप्टर नंबर 6, जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब तो मैंने बता दिया आपको कि भाई पार्टनर एडमिट हुआ तो क्या होगा, रिटायर हो गया तो क्या होगा, मर गया तो क्या होगा। अब मैं बोलता हूँ पूरा बिजनेस ही बंद हो गया तो क्या होगा। डिसोल्यूशन मतलब होता है बिजनेस का बंद हो जाना हमेशा के लिए, नॉट जस्ट पार्टनर जा रहे हैं बल्कि पूरा बिजनेस ही हमेशा के लिए बंद हो गया। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन हो सकता है कि भाई सब पार्टनर्स कंगाल हो गए, रीजन हो सकता है कि उनको बिजनेस में कई सालों से लॉस हो रहा होगा, रीजन हो सकता है कि पार्टनर्स के आपस में झगड़े हो गए होंगे जिसके कारण वो अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बोल सकता हूँ मैं, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट तो सभी है, बट यस इंटरेस्टिंग भी है साथ में, इंटरेस्टिंग एडमिशन भी है, इंटरेस्टिंग रिटायरमेंट भी है। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि 11th में थोड़ा सा बोर टॉपिक था कहीं कहीं पे, आई गेस आपने वो पार्ट कवर ही नहीं किया होगा, जिसे बिल्स, अब बिल्स बोल रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन जो मैं शुरू कर रहा था, थोड़ा सा ट्रिकी था वो, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था। बट आई ऑन द सेम पेज आई हैव सीन पीपल हैव एंजॉयड डूइंग लेजर, कैश बुक में काफी मजा आया था। बट उससे ज्यादा, उससे ज्यादा मजा आपको 12th स्टैंडर्ड में मिलेगा। ओके, तो डिसोल्यूशन इज एंड अप ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म जहां पे हमेशा के लिए खत्म हो गया, बंद हो गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको लास्ट ईयर में सिखाया था, सिखाया था मतलब
मतलब बताता सी उसका। एनीवन कोई ट्राई करना चाहेगा क्या था उसका मतलब? ये एक प्रकार का हमारा एसेट है बोल सकता हूँ मैं। ठीक है चलो, बट एसेट होने के साथ साथ लाइबिलिटी भी हो सकता है ये, तो कोई ट्राई करना चाहेगा तो बता दो। नहीं आइडिया, याद नहीं है? चलो मैं कुछ नाम लूँ, आपका आओगे फटक से याद आ जाएगा। मैं नाम लेता हूँ एक पर्टिकुलर चीज का जो आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, याद है? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? जब हम कभी उधारी पे सामान बेचते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को एक चिट्ठी में लिख के देते हैं कि भाई भविष्य में तुम इतना पैसे हमें दोगे, है ना? उसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। और जब हम किसी से उधार लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे लिखा के लेता है कि भाई तुम मुझे भविष्य में इतने पैसे दोगे, तो हमको देना पड़ेगा, विच इज टू बी पेबल, मतलब बिल्स पेबल। यस, उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो यहाँ पे आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिखेगी। मैं बता दूं आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ना, ये पूरा का पूरा आपको जर्नल एंट्री पे बेस्ड होगा, तो यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री वापस काम आएगा। बाकी जो ऊपर के जो भी मैंने अभी पढ़ाया आपको, सब पे लेजर अकाउंट काम आएगा, डिसोल्यूशन को या डेथ रिटायरमेंट एडमिशन, नॉन प्रॉफिट। फाइनल अकाउंट में तो भाई अलग ही बनाना पड़ता है, बट वहां पे यस लेजर अकाउंटिंग ही काम आता है। तो लेजर आपका मेजर पार्ट है इस बार। जर्नल एंट्रीज के लिए आपका सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, ठीक है? तो ये सब आपके जर्नल एंट्रीज में आते हैं। एनी डाउट सो फार? अच्छा दो बाकी है, दो बाकी इसके लिए, बिकॉज कंप्यूटर अकाउंटिंग इतना कोई नहीं देखता यार, वो लास्ट ईयर में भी हम स्किप कर देते, यहाँ पे भी स्किप कर लेते, बिकॉज इसके इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। मिला जुला के कुछ 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो भी ऑप्शन में होता है, तो वी कैन लीव दैट पार्ट। पढ़ा दूंगा चाहिए तो डोंट वरी, बट नथिंग टू मोर डिस्कस अबाउट दैट। मतलब आज के जमाने में हम अकाउंटिंग कंप्यूटर पे कैसे करते हैं वो सब चीजें, तो वो तो ना थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो सब, ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 8, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो जो हम शेयर्स जो होते हैं, जो अपने एसपी वालों ने जो लास्ट ईयर में पढ़ा है, जॉन स्टॉक कंपनी के शेयर्स होते हैं। हाँ मैथ्स वालों, थोड़ा सा आपको इसमें नॉलेज रखना पड़ेगा आपका, कि शेयर्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब नॉलेज कहाँ से मिलेगा? तो भाई मैं हूं ना, है ना? तो मैं आपको बता दूंगा, आपका ये चैप्टर चालू होने के पहले आपको थोड़ा सा एसपी का ज्ञान भी दे दूंगा, ठीक है? तो आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ ही हैं हम, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि अभी हमने कंपनी में शेयर्स कितने का बेचा, कितने पैसे अभी तक लोगों से लिए, कितने जन के फॉर्म आए और हमने रिजेक्ट कर दिए, उनके पैसे भी रिटर्न कर दिए, कितने जन का फॉर्म हमने स्वीकार कर लिया यानी एक्सेप्ट कर लिया और उनसे पैसे ले लिए, वो पैसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किए, वो सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स ना। उसके बाद में है इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक टॉपिक था, निकाल दिया आपके इसमें से, ठीक है? सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। शेयर्स के साथ डिबेंचर का भी था बट निकाल दिया टॉपिक। ओके नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर फाइनेंशियल, हेलो, कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? गलती से अनम्यूट हो गया था, दैट्स ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है? नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो आप बताते हैं कि आपके बिजनेस में कैश का फ्लो कैसा है, या आपको और कितने कैपिटल की जरूरत है, या आपके पास बिजनेस आपका किस तरह चल रहा है, फाइनेंशियल्स आपके कैसे हैं, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है, तो वो सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा सा थियोरेटिकल है। ओके सो व्हाट आई डू इज,
मैं आपको ले चलूंगा सबसे पहले। देखो, जो मेजर पार्ट है ना वो है वन फाइनल अकाउंट, सेकंड नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स, थर्ड एडमिशन, फोर्थ रिटायरमेंट, फिफ्थ डेथ ऑफ पार्टनर। इनमें हमको समय ज्यादा लगेगा। डेथ ऑफ पार्टनर में ज्यादा समय नहीं लगेगा, रिटायरमेंट में थोड़ा उससे ज्यादा लगेगा, एडमिशन में सबसे ज्यादा लगने वाला हमें फाइनल अकाउंट, और नॉन प्रॉफिट में तो सबसे ज्यादा समय लगता है, टाइम लगता है। तो मैं काम करता हूँ जहां पे आपको इंटरेस्ट है, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई मजेदार हो, तो मैं चालू करूंगा चैप्टर नंबर 3 से, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो मैं उसके लिए अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। तो मेरे को 2 मिनट देना, मैं जस्ट स्क्रीन शेयर चालू कर दूं और आप मेरे साथ में देख पाओगे। ठीक है, हैव डाउनलोडेड माई पीपीटी जो मैंने लास्ट ईयर के बच्चों के लिए बनाया था, एंड उस टाइम पे भी लॉकडाउन चल रहा था, तो आई गॉट एम्पल टाइम, काफी टाइम था मेरे पास ये सब बनाने के लिए पीपीटी, एंड आई हैव मेड इट। सो सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के तो अपने चार तीन तीन देखे, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक एडमिशन था। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो नीचे, अब सॉरी, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो यह आपका चैप्टर नंबर 3। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप बीच बीच में इसके स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। आपको लिखने के लिए बाद में ऑब्वियस है, लेना ही है स्क्रीनशॉट, वो मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, तो हम चालू करें चैप्टर नंबर 3 से। तो हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 3, विच इज 10-9। ओके, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, विच इज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो एनी वेज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है और एडमिशन का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप फॉर्म इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय टू और मोर पर्सन, विच इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। द ओनर आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फॉर्म। चलो मैं इसको आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। मान लो आपके कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, राइट ना? ओके, किन लोगों का ग्रुप है? फ्रेंड्स का ग्रुप है। आप सभी के बीच में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स? दैट इज नथिंग बट फ्रेंडशिप, है ना? फ्रेंड के बीच में जो रिलेशन है फ्रेंडशिप है। एंड तो तुम्हारा ग्रुप जिसको मैं कहता हूँ, आप लोग बोलते हैं मेरी गैंग है ये, है ना? अरे अपने गैंग किधर है, अपने फंडर लोग किधर है, व्हाटएवर यू से। ठीक है, सो गैंग है ना, या आप क्या बोलते हो, और क्या बोलते हो, ग्रुप और क्या बोलते हो? लेट मी हैव न्यू कीवर्ड्स, आई मीन। हेलो सर। हाँ बोलो सर, मैं एबल। सर मैं एबल। हाँ बोलो सर, जो अभी आपने दिखाया इंट्रोडक्शन, वो स्क्रीनशॉट लेके रखने का क्या, लिखने के लिए नोटबुक में अभी, मतलब लेक्चर के बाद? अभी थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको कौन सा वाला स्क्रीनशॉट लेना है, और डेफिनेटली आपको लिख के तो रखना ही है, बट जब मैं आपको कहूंगा तभी स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, लेट मी नो व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कॉल। मैं तो गैंग बुला सकता हूँ भाई, और आप लोग क्या बुलाते हो? ग्रुप ऑफ पीपल जो फ्रेंड्स हैं आपस में, आप लोग क्या बुलाते हो? हमारे टाइम पे तो स्कूल में तो गैंग बोलते थे, हमारी गैंग है, आप लोग क्या बोलते हो? अरे मतलब ऐसे जमाने के साथ चलो वाला कंसेप्ट है मेरा। अब कोई लोग अभी जैसे कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड को वही बंटा है बोलता है, आई हैव ओडीटा, सॉरी, कोई बिरू बोलता है, कोई बड़ी कहता है, कोई फ्रेंड कहता है, तो दैट्स अ न्यू कंसेप्ट। So what do you people call a gang? Gang जो friends की group होता है, आप उनको क्या बोलते हो? या कई लोग मन में सर group ही तो बोलते हैं, हम और क्या बोलते हैं? Not that kind of यार। अभी आप अगर मुझे बताओ, आपके friends का group है,
होगा, तुम क्यों बोलोगे हम छपरी लोग हैं? नहीं ना, वो वाला गैंगस्टर वाला ग्रुप नहीं रे शिवाजी, टीम। अब जैसे वो आदर्श ने रिप्लाई किया है, टीम है हमारी, वैसे एक ग्रुप को, आपके फ्रेंड्स के जो ग्रुप सर्कल होता है आपका, उसको आप क्या बुलाते हो, वो मैं बोलना चाहता हूँ। अंजलि कहती है गर्ल्स ग्रुप। अरे सर, ज्यादा लड़कियां रहेंगी तो फिर ओनली गर्ल्स ग्रुप नहीं हो सकता क्या? मैं ना नहीं बोल रहा यार, I'm just repeating your answer। गैंगस्टर ग्रुप। अच्छा शिवाजी ऐसा बोलते हैं क्या? ओके नेवर माइंड। अपनी पब्लिक। हाँ नंदिनी सही एकदम, नंदिनी बोलती अपनी पब्लिक है। पावरी तो नहीं हो रही ना कहीं पे, ये हम है, ये हमारी क्या 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 वो कंसेप्ट क्या था, सॉरी मैं भूल गया। ये हम है, ये हमारी तार है, ये हाँ राइट। ओके हम लोग पावरी नहीं कर रहे, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके फाइन, सो व्हाट एवर यू कॉल्ड एस, बट आई कम अप एज द कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप, आई मीन फ्रेंडशिप, विच इज यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। अब सिंपल सा चीज है, अब आपके भी ग्रुप का एक नाम होगा, है ना, आपके ग्रुप का भी एक नाम होगा। जैसे कोई डांस डांस के कंपटीशन में कोई हिस्सा लेता है तो अपना ग्रुप बनाता है, ग्रुप को एक नाम दे देता है ना, जैसे वो क्या था यार, चिप थ्रिल्स हो गया एंड ऑल, वो बड़े बड़े जो नाम भी देते हैं, ठीक है। उसी तरह जो पार्टनर्स होते हैं इंडिविजुअली, यानी एक अकेले व्यक्ति को आप पार्टनर कहोगे, पार्टनर्स के पूरे ग्रुप को आप पार्टनरशिप कहोगे, और जिस नाम से ये व्यापार करते हैं, जिस नाम से ये बिजनेस करते हैं, उसको हम फर्म कहते हैं। अब आपको समझा, पार्टनर, पार्टनरशिप और फर्म क्या होता है, ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड अपॉन, नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये चीज बहुत ध्यान में रखना, कि अगर मान लो मैं अकेला एक बिजनेस करता हूं, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो मुझे कोई ऐसा पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हो और वो मंजूर हो, एग्री करे, अपनी मंजूरी दे कि वो मेरे साथ मिलके बिजनेस करना चाहेगा। अगर वो हाँ बोलता है, मतलब वो राजी हो गया, वो एग्री हो गया कि मेरे साथ बिजनेस करेगा, एंड डेफिनेटली हम एक एग्रीमेंट भी करेंगे, या उसका मंजूर होना ही एग्री हो जाना है, यानी एग्रीमेंट हो जाना है, बट स्टिल फिर भी हम एक लीगल एग्रीमेंट करेंगे। तो पार्टनरशिप क्या है, ये एक एग्रीमेंट का नतीजा है जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति लोग मिलके एक बिजनेस करने के लिए राजी होते हैं, एंड उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये जो डीड वर्ड है उसकी मतलब ही होता है एग्रीमेंट, ठीक है। डीड मतलब ही वर्ड क्या होता है, एग्रीमेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में हो, डेफिनेटली अगर आप बिजनेस महाराष्ट्र राज्य में कर रहे हो, स्टेट में कर रहे हो, तो आपको अपने पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास दर्ज करवाना पड़ता है कि भाई आप रजिस्ट्री, आप यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस चलाना चाहते हो, कंपलसरी है वो, उसके बिना अगर करोगे तो आपको गवर्नमेंट फाइन लगाएगी। पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कंट्रोल की जाती है, यानी इसको कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उस कानून के तहत इसे कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी कंपनी है, जिनको आप कंपनी बोलते हो ना, जैसे मैगी की कंपनी हो गई, कैडबरी की कंपनी हो गई, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, इन सभी कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। अब बोलोगे सर 2013 में ही बना है? नहीं, उसके पहले भी था 1956, उसको चेंज करके हमने अपडेट किया है, जैसे अपने एंड्रॉयड के वर्जन अपडेट होते हैं, अपने प्ले स्टोर के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, उसी तरह वो लॉ भी अपडेट हुआ जिसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है।
तो यहाँ पे हम पढ़ने पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के लिए कानून है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। पार्टनरशिप में कितने लोग अलाउड है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए। एक अकेला व्यक्ति अपना पार्टनर खुद नहीं बन सकता, कम से कम 2 जन होना चाहिए एक पार्टनरशिप चलाने के लिए। और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सभी पार्टनर्स मिल के मालिक हैं, ऐसा नहीं कि भाई मैंने मेरा आइडिया दिया था तो मैं ही अकेले मालिक हूं, नहीं, सभी मिलके मालिक है और सभी मिलके बिजनेस को संभालेंगे भी। इसके लिए बोला गया यहाँ पे जॉइंट ओनर एंड जॉइंट मैनेजर्स। पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में कह दिया था, जो एग्रीमेंट है उसको ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसमें तय किया जाता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में बांटना है। फॉर एग्जांपल अगर 5 रुपया प्रॉफिट होता है, 2 पार्टनर है तो उनके ऊपर है डिपेंड भाई आधा आधा बांटना है, यानी 2.5 रुपया 2.5 रुपया, या फिर जो भी उनमें आपस में तय हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरा कैपिटल ज्यादा है, मैं 3 रुपया लूंगा, तू 2 रुपया ले ले। जो भी रेशियो, जो भी उनमें फैसला होता है, जो भी प्रपोर्शन वो शेयर करना चाहेंगे, वो आपस में डिसाइड करके उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख देंगे। क्लियर? अब इसका आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये बात में आपको लिखना है। अच्छा, लिखने के अलावा मैं कोई बता दो फटाफट, अगर इन पॉइंट्स में किसी को डाउट है प्लीज लेट मी नो। अगर आपको डाउट है इन पॉइंट्स में, पहला पॉइंट यहाँ पे जो है कि देखो, अगर मैं और आप मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं और आप मिलके बिजनेस चला रहे हैं, मालिक कौन? दोनों है ना, मैनेज कौन करेगा? दोनों करेंगे, दैट इज जॉइंट ओनर है जॉइंट मैनेजर, ठीक है। अब सिंपल सा चीज, अगर मैं और आप मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट भी जो होगा या लॉस जो होगा, क्या मैं पूरा लॉस मैं ही भरूंगा या पूरा प्रॉफिट मैं ही लेके जाऊंगा या आप लेके जाओगे? हमारे बीच में एक मात्रा, एक रेशियो तय हुआ होगा कि भाई जो भी प्रॉफिट है हम आधा आधा कर लेंगे, या भाई तुम 3 हिस्सा ले लेना, मुझे 2 हिस्सा दे देना, ऐसा कुछ तो बात हुआ रहेगा हमें, राइट ना? दैट इज व्हाट द लास्ट पॉइंट इज, पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि भाई आप प्रॉफिट या लॉस किस हिस्से में या किस तरीके से बांटने वाले हो, और उसी तरीके से बांटा जाएगा, ठीक है। अब समझे आपको? सेकंड वाला, ओके, नो प्रॉब्लम। सेकंड माने में वही कहा गया बच्चा कि आपका जो पार्टनरशिप है वो कैसे बना। अब मान लो कि आप एक दुकानदार हो, आपने एक दुकान शुरू किया, आपने खुद का बिजनेस चालू किया, तो सोल ट्रेडर आप कैसे बने? बिकॉज यू आर सोल ट्रेडर ना, सिंगल ओनर हो, मतलब कौन हो गए? सोल ट्रेडर। कैसे शुरू हुए? भाई मेरे मन में आया, मेरे पास पैसे थे, मैंने दुकान खोल लिया। तो पार्टनरशिप बिजनेस अगर चलता है तो वो कैसे बनता है? आपके मन में है कि मुझे बिजनेस करना है, बट मुझे कोई ऐसा भी एक पर्सन चाहिए जो मेरे साथ मिलकर बिजनेस करे। मैं अपने एक दोस्त को पूछता हूँ, वो राजी हो जाता है, हम दोनों साथ में मिलके बिजनेस करते हैं। बट उसका राजी होना बहुत जरूरी था ना, मैंने उससे जबरदस्ती किया क्या कोई कि भाई तेरे को मेरे साथ मिलके बिजनेस करना ही पड़ेगा? नहीं। तो हमारा बिजनेस जो है, मैं और मेरे दोस्त के बीच में जो बिजनेस चल रहा है, जो हम मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एन एग्रीमेंट, उसकी मंजूरी के कारण हुआ। अगर वो मंजूरी नहीं देता तो शायद वो मेरा पार्टनर नहीं होता, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, समझा? क्लियर? डन है। अच्छा लगता है ऐसे डाउट पूछते तो, एट लीस्ट ये तो होता है भाई हाँ तुम हो और मैं भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है भाई कोई प्रवचन चल रहा है और सब बैठे हैं ध्यान लगा के अपना, और पता नहीं भगवान जाने ध्यान भी लगा के सो गए, है कि नहीं? ओके, जो सब चले आगे चले भाई, देख ले तो, किसी का डाउट हो तो
बिकॉज कुछ लोग आराम से डाउट पूछते हैं, तो एक बार देख लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? समथिंग हियर, लुक, ओके, यस बोला हुआ है, ठीक है, गुड, चलो हम आगे चलते हैं फिर. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, आई बिलीव आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा लिखने के लिए. यस, आपको लिखना है. ये चैप्टर का नाम तो आपको बताइए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके नीचे एडमिशन ऑफ पार्टनर. अभी ये तो पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन है बच्चों, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन फॉर पार्टनरशिप फॉर्म. नाउ आई टॉक अबाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर्स. पहले हम बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. जहां पे चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप क्या होता है वो तो आपने पढ़ लिया. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्राइमरली इन्वॉल्व चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप. मैंने आपको बताया भी था ये चीज बात करते करते लास्ट, अभी थोड़ी कुछ देर पहले, कि जहां पे ए और बी दो पार्टनर्स थे, सी ने उनको पूछा कि क्या उनके साथ वो बिजनेस कर सकता है, ए और बी उस चीज के लिए राजी हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं और एक नया पार्टनरशिप जन्म लेता है. अब नया पार्टनरशिप क्यों? आप तो बोलोगे सर वही बिजनेस में हुआ तो आया ना, मैं मानता हूं, लेकिन पुराना बिजनेस जो था वो किन लोगों के बीच में था, वो पार्टनरशिप किन लोगों के बीच में थी? वो पार्टनरशिप थी ए और बी के बीच में. अब जो नया बिजनेस फ्रेम हो रहा है इसे बाहर वाले को कोई लेना देना नहीं है. बट यस, बस नया बिजनेस जो बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है? ए बी और सी के बीच में. तो ये जो हम पार्टनरशिप के जो फॉर्मेट है उसको जो चेंज कर रहे हैं हम, इसी को कहते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन. उसको हम जब चेंज करेंगे तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, राइट ना? देर इज नो चेंज, सॉरी, देर इज अ चेंज इन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म. प्रॉफिट लॉसेस में भी चेंज होगा ना. मान लो अगर 3 रुपया प्रॉफिट होता है ए और बी के बीच में, तो ए कहता है भाई मैं 2 हिस्सा रखूंगा और बी को बोलता है तुम 1 हिस्सा ले लो. कल को अगर सी बिजनेस में आता है उसी 3 रुपए में, अब कैसे बांटा जाएगा? हर एक को एक एक हिस्सा, है कि ना? तो जो प्रॉफिट का लॉस का जो बांटने का जो प्रपोर्शन था, जो रेशियो था, वो भी तो चेंज हो गया. देर इज चेंज इन एग्रीमेंट among the partners due to change in the share of profit losses. The agreement भी change होगा. यानी मेरा कहने का मतलब, total मेरा point ये है कि भाई जब agreement ही change हो जाता है तो उसको हम reconstitution कहते हैं. The agreement में क्या change हुआ? पहले point में कहा कि भाई नया partner आ गया, दूसरे में कहा कि भाई profit और loss का जो sharing का ratio होता है वो change हो जाता है. Reconstitution कैसे होता है? कब कब आपका agreement change होगा? तो एक तो होता है एडमिशन पे, जब एक नया पार्टनर आपके बिजनेस में शामिल होता है. दूसरा होता है रिटायरमेंट पे, जब पार्टनरशिप ब्रेक होता है. और तीसरा होता है जब कोई पार्टनर मर जाता है, तब तब आपके कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा, आपका एग्रीमेंट चेंज होगा, आपके पार्टनरशिप चेंज होगी, आपके पार्टनर्स चेंज होंगे, आपका प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग का रेशियो चेंज होता है. क्लियर? ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अब मैं क्या करूँ, स्टार आई भी लिख के ही आएगा बिकॉज वो डेथ वाले पॉइंट पे था. अब ड्राइंग मत बना देना, इट वॉज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? अब इसमें बता दो फटाफट किसको डाउट हो तो. इफ एनी हैज एनी वन हैज गुड एनी डाउट प्लीज. नहीं सर, ठीक है अभी तक. ओके, तो आई बिलीव स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए होंगे आपने. नहीं नहीं सर, नहीं लिया. एक मिनट जब मैं आपको दे देता हूँ, तो आप देख लेना वहाँ पे डाउट है, यहाँ पे कुछ देखने के लिए टेक्निकल्स. ओके फाइन, ठीक है, तो ले लो, आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका अब, ठीक है? तो ये था रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब. तो अगर मैं इसको बहुत एक सिंगल लाइन में कहूँ, बहुत छोटे में कहूँ अगर,
तो जब पार्टनरशिप फॉर्म चेंज हो जाए, जब इनका प्रॉफिट लॉसेस जब चेंज हो जाए, या इनका एग्रीमेंट जब चेंज हो गया, तो उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन कंडीशंस में होते हैं, या तो एडमिशन के दौरान, या रिटायरमेंट के दौरान, या फिर डेथ के दौरान किया जाता है। ठीक है, नाउ हम टॉपिक पे, विच इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब मैं टॉपिक शुरू करूंगा यहाँ पे। तो इसके पहले का किसी को डाउट कुछ भी नहीं था। व्हाट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स? मान लो यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी दो जन है जो मिलके बिजनेस चलाते हैं। अभी कहता है भाई कि एक दुकान है यार, अपने को थोड़ा सा और बढ़ना है, बिजनेस को और बढ़ाना है, वी नीड टू एक्सपेंड आवर बिजनेस। ए कहता है बी को, हमको और अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, सिर्फ हम लोकल मार्केट में हमको पूरा वर्ल्ड एरिया कवर करना है यार, और भी हमको फैलना है, अपने बिजनेस को फैलाना है, बढ़ाना है। तो बी कहता है ग्रेट आइडिया, कैन वी टेक सी इनटू आवर बिजनेस? क्या हम सी को बिजनेस में ले सकते हैं? किसने किसे कहा? बी ने ए से कहा, क्या हम सी को बिजनेस में ले सकते हैं? ये कहता है यार क्यों नहीं यार, अपना ही दोस्त है, चलो मिलके तीनों बिजनेस साथ में करेंगे। तो अब कितने पार्टनर हो गए? तीन। पहले कितने थे? दो। तो पहले वाला जो पार्टनरशिप था दैट वाज जस्ट बिटवीन ए एंड बी। नया कौन ऐड हो रहा है? सी। तो पहले जो पुराना पार्टनरशिप था, इसमें एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में था? ए और बी के बीच में। प्रॉफिट या लॉस कितने जन शेयर करते थे? ए और बी शेयर करते थे। एग्रीमेंट किन लोगों के बीच में हुआ था? ए और बी के बीच में हुआ था। अब जो नया बिजनेस है वो किन लोगों के बीच में हो गया? तीन लोगों के बीच में होगा। तो टोटल अब कितने पार्टनर है? एक, दो और ये तीन, ए बी एंड सी, या इधर के ए एंड बी एंड सी, व्हाटएवर जो भी है। तो अभी नया एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट तो अब मान्य नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज वो एग्रीमेंट सिर्फ ए और बी के बीच में था। अब तो सी भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो नया एग्रीमेंट ए बी और सी के बीच में बनेगा। प्रॉफिट का या लॉस का शेयरिंग भी ए बी और सी के बीच में होगा। तो टोटली पार्टनरशिप फॉर्म आपका चेंज हो गया है, आपका एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो प्रोसेस है नए पार्टनर को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो मैं तो मीनिंग पे, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट और एग्रीमेंट ऑफ ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मैंने क्या बोला था उस डायग्राम में, कन्वर्सेशन में देखा होगा, बी ने ए को पूछा क्या हम सी को बिजनेस में ले सकते हैं, और अगर ए ने मंजूरी दिया तो ही सी बिजनेस में आएगा, या जितने भी पुराने पार्टनर्स है अगर सब राजी होते हैं कि नए पार्टनर को बिजनेस में लेके आओ चलेगा, तो ही आप एक नए पार्टनर को लेके आ सकते हो। अगर मान लो आपके बिजनेस में 40 जन है, 30 लोग हैं, और 30 में से 29 कहता है ठीक है हमको नया पार्टनर लेके आ जाओ चलेगा, लेकिन एक पर्सन अगर कहता है कि नहीं चाहिए मुझे, तो नहीं लेके आ सकते हो। बिकॉज यहाँ पे बोला है विद द कंसेंट, कंसेंट मतलब होते मंजूरी, एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट नहीं, पेपर वाला एग्रीमेंट नहीं, यहाँ पे मंजूरी है, ऑफ ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑफ ऑल अदर, मेजोरिटी भी नहीं बोला यहाँ पे, क्या बोला है, सभी पार्टनर्स की मंजूरी चाहिए, तब जाके एक नया पार्टनर को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नए पार्टनर को हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? अब ए और बीच में क्या बोला था भाई, हमने ए और बी के बीच में क्या बात हुई थी, हमें अपने बिजनेस एक्सपैंड करना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है तो मतलब भाई सिंपल सा चीज है, मैन पावर चाहिए, कैपिटल चाहिए, राइट है ना, मैनेजमेंट चाहिए, लोग चाहिए। तो सी के आने की वजह से काम भी थोड़ा डिवाइड किया जा सकता है, और सी कैपिटल ऑब्वियस लेके आएगा। तो नए पार्टनर को हम दो रीजन से एडमिट करते हैं, एक एडिशनल कैपिटल से, या फिर मैनेजरियल स्किल के कारण हम उसे एडमिट करते हैं, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके आने से मैन पावर भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी मिल जाएगा। विद एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज प्रिपेयर्ड बिटवीन ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू वन। ऑल पार्टनर्स बोलने का मतलब है सभी पार्टनर्स, मतलब नए वाले को लेके। तो कहना के मतलब यह है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के दौरान हम एक नया पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं और नया एग्रीमेंट बनता है सभी पार्टनर्स के बीच में। सभी पार्टनर्स बोलने का मतलब है वो जो नया पार्टनर है उसको भी लेके। कुछ चेंजेस अकाउंटिंग में भी किया जाता है और उसी अनुसार आपका अकाउंट बुक भी मॉडिफाई किया जाता है, चेंजेस किया जाता है जो हम सीखने वाले हैं। एडमिशन होने के बाद नए पार्टनर्स के बीच में,
पुराने पैटर्न्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए और बी में, माइट बी उनमें बात ऐसी होगी कि दो हिस्सा एक लेगा और एक हिस्सा एक को देगा, बट नए पार्टनर के आने की वजह से वो हिस्सेदारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, प्रॉफिट या लॉस का शेयरिंग का जो रेशियो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट एंड एक सेकंड, हाँ रेशियो के बारे में बात करेंगे, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, अरे हाँ ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें से अगर डाउट रहे तो बोल देना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, बाद में पढ़ो और डाउट है। गाइस लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज योर 12th स्टैंडर्ड रिटन, ओके अभी 12th है तो बच्चा कि यहाँ पे आपको 11th में थोड़ा सा लीनियंट था मैं भी, कि आप डाउट नहीं पूछ लेते तो ज्यादा मैं कभी कुछ बोलता नहीं था, कुछ लोगों को आवाज देने के बावजूद भी वो मुझे कुछ आवाज नहीं आता था, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, बट यस दिस इज 12th नाउ, 11th हम आस्ते आस्ते निकाल देते, बट 12th में आपको बोर्ड एग्जाम होता है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये 12th वाला जो एग्जाम है उसको आप लाइटली लो, बिकॉज this covid situation won't last for your exams, ye khatam ho jayega aapke exam tak hi nahi rahega, aapke exam tak aane tak shayad tab tak sab kuch normal ho jaye, and I believe I wish wo normal ho jaye, theek hai, so I need people please study, learn seriously, देखो पढ़ना मुझे ही नहीं है आपको है, बिकॉज आई नो कि चैप्टर में क्या है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे चीजें होती है, मुझे आता है सब कुछ, आई डोंट वॉन्ट टू शो कि मुझे कितना आता है, आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न इट, बिकॉज एग्जाम मुझे नहीं देना है बेटा, एग्जाम आपको देना है, तो आप पढ़ो, मैं तो हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो सो फार किसी को कुछ डाउट नहीं है पक्का, सॉरी 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 एक मिनट, किसी का क्या चैट आया अभी, एक सेकंड, हुसैन सेज ऑनलाइन नहीं समझता अच्छे से, अकाउंट्स भी नहीं समझता हुसैन आपको, आई मीन हम जहां तक मेरा ख्याल है कि सॉरी समझता है सर, पर अच्छे के लिए मतलब थोड़ा थोड़ा छूट जाता है, थोड़ा थोड़ा कैसा है ना बेटा कि आपका मेरे ख्याल से 11th में भी आप काफी थोड़ा लेट आए थे, राइट, नो डाउट आपने कवर करने की कोशिश की थी, बट फिर भी उसमें काफी चीजें आपकी मिस आउट हो गई थी, जो बेसिक बोलते हैं ना फाउंडेशन होता है वो आपने शायद मिस आउट कर दिया था, तो लेट्स ट्राई मेक इट लाइक 12th में हम ऐसा ना करें, कुछ मिस आउट मत करना लेक्चर्स वगैरह, ठीक है, तो आई गारंटी यू दैट कि आपको इस ये अच्छी तरह समझेगा, बिकॉज लास्ट ईयर हमने पूरी तरह ऑनलाइन ही क्लास लिया है 12th वालों का भी, and they are ready for the exams, unke I guess apne class mein saat prelim to aaram se unke ho gaye honge abhi tak, so if they are solving the prelim papers matlab kafi achhi tarah log kar rahe hain abhi tak, theek hai, to anyways main being a first lecture main aapko itna bore nahi karna chahta tha, still maine thoda sa aapko fir bhi 2-3 slide aapko de diya likhne ke liye, aur utna zyada bhi nahi kyunki ghar walon ko bhi lagna chahiye na bhai homework diya kuch, theek hai, to later on aap log isko dekh ke likh lena, but ओके एंड प्लीज मेंटेन अ नोटबुक, अलग से नोटबुक रखना, हाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक टॉपिक एक नोटबुक चलेगा, यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पूरा एक ही बुक में चाहिए, रिटायरमेंट अलग से बुक बनाओगे, डिसोल्यूशन का अलग से बुक बनाओगे, हर टॉपिक के अलग नोटबुक बनेगा, एक के अंदर सब कुछ मत लिख देना कि एक के अंदर इकोनॉमिक्स भी लिख दूं, एक के अंदर ओसी भी लिख दूं, एक के अंदर अकाउंट्स भी लिख दूं, वैसा मत करना, हम मिक्स मसाला नहीं बनाएंगे, ठीक है, सो वी नीड टू प्रिपेयर वन नोटबुक फॉर ईच टॉपिक, नॉट इवन आई एम सेइंग वन सब्जेक्ट, बीके के बुक में क्योंकि मैं बीके ले रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे जो कलीग हैं प्रकाश सर वो भी आपका बीके लेंगे, अब जो मैथ्स पढ़ाते थे अब वो बीके पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक उनके भी हैं वो लेंगे, सो मेरा और उनका नोटबुक अलग रखना, नहीं तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का अलग नोटबुक बनाना,
फ्रेश नोट बनाना, ओके, और जो मैंने आपको चीजें लिखा है लिख के रखना, और डे बाय डे ये कंप्लीट करते जाना, वरना लोड आपके ऊपर बढ़ने वाला फिर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।